अध्याय। आज मैं आपको महाधमपाल जातक कथा सुनाने वाली हूँ। यह कथा काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने अपने घर की महिलाओं, माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चों को मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जागरूकता की जरूरत महिला वर्ग को है। अगर उनके पास मोबाइल ना हो तो कम से कम अपने ही मोबाइल लैपटॉप से उन्हें एक बार जरूर दिखाएं, क्योंकि आमतौर पर उनके पास भारत का वास्तविक इतिहास, हमारा पुराना कल्चर जो है, नहीं पहुँच पाता, जिससे वो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में उलझी रह जाती है। हमारी तरफ से यह पूरी कोशिश रहेगी कि बेहद ही सरल भाषा में सम्यक कल्चर को सभी देशवासियों तक पहुंचाएं। तो डिफरेंस के तौर पर मैं मधुर पिपलायन द्वारा लिखी आदर्श जाता कथाएं धम्माचारी गृहपति दिखा रही हूं। काशी के एक गांव में एक गृहपति रहता था। वह 10 कुल धर्मों के पालन के कारण धम्माचारी गृहपति कहलाता था। उसके कुल में दास और सेवक तक भी दान देते, सील की रक्षा करते और उपोषित व्रत रखते थे। उसका एक पुत्र था, उसका नाम धम्मपाल कुमार रखा गया। बड़े होने पर उसे एक प्रसिद्ध आचार्य के पास पढ़ने भेजा। उस समय आचार्य के बड़े बेटे का देहांत हो गया। सभी विद्यार्थियों और आचार्य के रिश्तेदारों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सभी लोगों को बहुत दुख हुआ। वे सब खूब रोते पीटते थे, किंतु धम्मपाल कुमार न रोता था न पीटता था। सभी के मुँह से एक ही बात सुनाई देती, हाय, तरुणाई में ही माता पिता को छोड़कर चल बसा। किंतु धम्मपाल कुमार कहता, मित्रों, तरुणाई में क्यों मर गया? तरुण रहते मरना अनुचित है, बूढ़े होने पर ही मरते। मित्र धम्मपाल, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं मरता? लड़कपन में नहीं मरते, बूढ़े होकर ही मरते हैं। मित्र धम्मपाल, क्या यह तुम्हारी कुल परंपरा है? हाँ, कुल परंपरा है। धम्मपाल कुमार की यह बात आचार्य तक पहुँचे। आचार्य ने धम्मपाल कुमार को बुलाया और पूछा, तात, सचमुच तुम्हारे कुल में बालकपन में कोई नहीं मरता? आचार्य, सचमुच। आचार्य को धम्मपाल कुमार की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, इसके घर जाकर इस बात की सत्यता का पता लगाना चाहिए। उसने अपने सभी विद्यार्थियों को बुलाकर कहा, तात, मैं 8-10 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम सब मिलकर अपना अध्ययन जारी रखना। आचार्य ने एक भेड़ की हड्डियां ली, उन्हें अच्छी तरह धोया, साफ किया और उन्हें एक थैली में रखा और धम्मपाल कुमार के गांव को चल दिया। गांव पहुंचकर धम्मपाल कुमार के घर सूचना भिजवाई कि आचार्य आए हैं। गृहपति ने अपनी अगवानी की, हाथ पैर धुलाकर पलंग तक पर बैठाया। भोजन करने के बाद आचार्य ने कहा, गृहपति, तेरा पुत्र धम्मपाल कुमार प्रज्ञावान था, तीनों वेदों और शास्त्रों में प्रांगत था, किंतु एक बीमारी से उसका शरीरांत हो गया है। सभी संस्कार अनित्य है, चिंता न करें। आचार्य की इन बातों को सुनकर धम्माचारी गृहपति जोर से हंसने लगा। आचार्य ने गृहपति से पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? तो गृहपति ने कहा आचार्य से कि मेरा पुत्र नहीं मरता, कोई दूसरा मरा होगा। फिर आचार्य ने कहा गृहपति से कि तेरा ही पुत्र मरा है, मैं उसकी हड्डियां लेकर आया हूँ, देखिए तेरे पुत्र की ही हड्डियां है। फिर गृहपति ने आचार्य से कहा, ये किसी भेड़ या कुत्ते की हड्डियां होंगी, मेरा पुत्र नहीं मरा। 7 पीढ़ियों तक हमारे कुल में कोई भी तरुण अवस्था में नहीं मरा। ऐसा कहते ही वहां उपस्थित सभी घर वाले खूब जोर से हंसे। यह देखकर आचार्य ने पूछा, गृहपति, कोई तरुण नहीं मरता, इसका क्या कारण है? तुम कौन सा व्रत रखते हो या तुम्हारे कौन से अच्छे कर्मों का फल है, मुझे भी बताएं। यह सुनकर धम्माचारी गृहपति ने आचार्य को उन गुणों को बताया जिनके कारण उसके कुल में तरुणों की मृत्यु नहीं होती। हम झूठ नहीं बोलते, अशुभ कर्मों को त्यागते हैं तथा धम्मानुसार जीवन बिताते हैं। हम सभी की बातें सुनते हैं, किंतु सत्पुरुषों की बताए मार्ग पे ही चलते हैं, असत्य पुरुषों की बातों को त्याग देते हैं। हम दान प्रसन्न मन से देते हैं, दान देते समय तथा दान दे चुकने पर भी किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं करते। श्रमण, ब्राह्मण, यात्री, गरीब तथा मांगने वाला कोई भी याचक आए, सभी को भोजन खिलाकर संतुष्ट करके भेजते हैं। कुल में पति या पत्नी दोनों किसी भी प्रकार का मिथ्याचार नहीं करते। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री व सभी स्त्री पुरुष धम्मानुसार जीवन यापन करते हैं। दास दासी, सेवक परिचारक तथा सभी कर्मकर भी धम्मानुसार जीवन यापन करते हैं।
हमारे कुल में जो संतान पैदा होती हैं, वे सभी मेधावी, बहुप्रज्ञ और बहुश्रुत होती है। इस प्रकार हमारे कुल में धम हमारी रक्षा करता है। वैसे ही जैसे वर्षा काल में बड़ा भारी छत्र वर्षा के पानी से रक्षा करता है, धम द्वारा रक्षित मेरा पुत्र धम्मपाल कुमार सुखी है। ये हड़िया उसकी नहीं किसी दूसरे की है। यह सुनकर आचार्य पूरी तरह संतुष्ट हुआ। उसने अपने ही मन में सोचा, मेरा यहाँ आना सफल हुआ, निष्फल नहीं रहा। खुश होकर आचार्य ने धम्मपाल कुमार के पिता से क्षमा मांगी और कहा, तुम्हारा पुत्र निरोग है। मैं तो सच्चाई जानने के लिए भेड़ की हड़िया लेकर आया था। जिस धम्म का तुम पालन करते हो, उसे मुझे भी लिख कर दो। धम्माचार्य गृहपति ने अपने धम्म को कागज पर लिख कर उसे दिया। आचार्य प्रसन्न हो अपने आश्रम में लौट आया। तो यहाँ महाधम्मपाल कथा समाप्त होती है। बौद्ध यात्री इत्सिंग तथा हेनसोंग के नोट्स में धम्मपाल का जिक्र आता है। चूंकि धम्मपाल का कार्यक्षेत्र नालंदा महाविद्यालय माना गया है, जहां वो महान प्रोफेसर थे, अर्थात 7वीं सदी तक उनका अस्तित्व आ चुका था। बाद में उनके नाम पर महाधम्मपाल जातक कथा लिखी गई, इसलिए इसमें वेद आचार जैसे शब्द भी आते हैं। जबकि पुराने जातक कथाएं जो 2300 साल पहले लिखी गई, उनमें इस तरह की शब्द नहीं आते। हालांकि यह सिर्फ कथा भरी है, इसे महान प्रोफेसर धम्मपाल के जीवन से न जोड़ना ही बेहतर होगा। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि जातक कथा ईसा पूर्व 300 से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं 13वीं सदी तक जलाए जाने के पूर्व तक शिक्षाप्रद के लिए लिखी जाती रही है। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो भी धम्म के 10 आचरणों का पालन करता है, वह अन्य मनुष्यों की तुलना में ज्यादा सुखी, शांतचित्त और गहरे व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति समाज, परिवार, हर जगह न सिर्फ सम्मान पाते हैं, बल्कि अन्य मनुष्यों के लिए रोल मॉडल बनने का कार्य करते हैं। अगर आप चाहते हैं, मैं इसी तरह धम्म की सभी रचनाओं को उचित रेफरेंस के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करती रहूं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक, स्पेशली महिलाओं, बहनों, बेटियों तक जरूर पहुँचाएँ। वीडियो सब्सक्राइब भी करावें तथा आपका लाइक और कमेंट हमेशा मुझे बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। नमो बुद्धाय।